सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप लोग स्वागत है गाइस एक और न्यू वीडियो के अंदर। सो भाई लोग, अपने फ्री फायर के अंदर न्यू यहाँ पर इंक्यूबेटर के बंडल आ चुके हैं। तो बंडल आप लोग देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा ओपी बंडल यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टॉप वाला बंडल, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा ओपी बंडल है। इस वाले बंडल को लेने के लिए भाई यहाँ पर आपको 3 ब्लूप्रिंट चाहिए, उसके साथ यहाँ पर 7 स्टोन चाहिए। तो इस वाले वीडियो के अंदर भी भाई चलने वाला गिव अवे, और ये जो अकाउंट है भाई सब्सक्राइबर का अकाउंट है, पिछले वाले विनर का अकाउंट है, ठीक है। तो आप लोग भी भाई गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट हो सकते हो भाई। सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना है। प्लस आप लोगों का अपना यूआईडी जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दे देना। इतना सा काम आप लोग कर लोगे तो गिव अवे के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला मेल का वाला बंडल भी देखने को मिलता है, जो कि हमको 1 ब्लूप्रिंट प्लस यहाँ पर आपको 3 स्टोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और गाइस ऊपर आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर 2 स्टोन पड़े हुए हैं पहले से। और भाई इस वाले इवेंट के अंदर भाई आप लोग वाउचर का यूज नहीं कर सकते, वाउचर से आप लोग मतलब स्पिन वगैरह नहीं कर सकते हो। यहाँ पर भाई आपको डायमंड से स्पिन करना पड़ेगा। तो चलो गाइस यहाँ पे हम लोग स्पिन करने से पहले, सबसे पहले भाई यहाँ पर हम लोग 1 स्पिन ट्रिक यूज करेंगे, उसके बाद ही भाई यहाँ पर इवेंट के अंदर आएंगे और स्पिन हम लोग करेंगे। तो चलिए गाइस इवेंट को हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई 40 डायमंड का 1 स्पिन होने वाला है, ठीक है। उसके साथ अगर आप लोग 5 स्पिन करोगे तो यहाँ पर आपको 180 डायमंड देना पड़ेगा। तो चलिए गाइस यहाँ से भाई हम लोग इवेंट को कट कर देते हैं और यहाँ पर चलते हैं भाई 1 स्पिन ट्रिक यूज करने। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई, अपना जो कैरेक्टर आइटम का उसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाई इसने जो सूच पहन रखी उस सूच को भी भाई यहाँ पे चेंज कर लूँगा पूरा, यहाँ पर भाई इसको यहाँ पर नूबड़ा बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जूता मैंने इसको पहना दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर ये वाला जो हाथ में दिख रहा है ना, ये इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा सोइन लोबी से, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर भाई देख लो, यहाँ पर सोइन लोबी से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा भाई, यहाँ पर मैं जाऊँगा सेटिंग के अंदर और यहाँ से हम लोग क्लियर कैच कर लेते हैं। 2 बार गाइस मैंने यहाँ पर क्लियर कैच कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा भाई, जो भी हमारे पास मेल वगैरह आए हुए हैं, इन सारे मेल को हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले मेल को भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अभी क्या करेंगे भाई, अभी हम लोग जाएंगे भाई इवेंट के अंदर और आप लोग देखना भाई क्या हमको मिल पाता है पहले स्पिन के अंदर। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ओपी बात रहने वाली है। तो चलिए गाइस पहला वाला हम लोग स्पिन कर लेते हैं, कुछ अच्छा सा रिवार्ड मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो चलो गाइस यहाँ पे भाई 40 का स्पिन होने वाला है, तो 40 वाला स्पिन मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर देखते हैं भाई क्या चीज़ मेरे को मिल पाती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने 40 वाला स्पिन कर दिया है, और जिसके अंदर मेरे को यहाँ पर भाई आप लोग देख सकते हो पहले स्पिन के अंदर मेरे को यहाँ पर स्टोन मिल चुका है, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा वर्किंग ट्रिक है भाई। और यहाँ पर अगला जो स्पिन है वो भी मैं भाई यहाँ पर 40 वाला स्पिन ही करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40 वाला स्पिन मैंने कर लिया। तो चलो गाइस अभी देखते हैं भाई हमको क्या चीज़ यहाँ पर मिलती है। तो गाइस इस बार मेरे को देख सकते हो यहाँ पर भाई बेस मिला है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर भाई फिर से यहाँ पर 40 का स्पिन करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस अभी देखते हैं भाई मेरे को कौन सी चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। फिर से गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरे को बेस ही मिल गया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ पे भाई क्लियर कैच करने वाला हूँ। 2 बार मैंने यहाँ पर क्लियर कैच कर दिया है। उसके बाद जाएंगे हम लोग यहाँ पर गोल्ड रॉयल के अंदर। तो यहाँ पर गोल्ड रॉयल के अंदर मैंने 3000 वाला स्पिन कर लिया है। तो 3000 वाला स्पिन करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर भाई जो भी यहाँ पर आइटम्स मिलते हैं सारे आइटम को यहाँ से ले लेना है। उसके बाद यहाँ से भाई मैं वापस इवेंट के अंदर जाऊँगा। तो इवेंट के अंदर भाई मैं आ चुका हूँ और फिर से यहाँ पे 40 वाला स्पिन मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो इस बार देखता हूँ भाई मेरे को कौन सी चीज़ यहाँ पर मिलती है। तो इस बार भी भाई कुछ भी नहीं मिला, ये वाला बॉक्स मिला है जिसके अंदर कुछ टी शर्ट वगैरह मिला है। तो अभी भाई मैं सोच रहा हूँ 180 वाला जो स्पिन है वो कर लेता हूँ और देखता हूँ भाई क्या यहाँ पर मेरे को चीज़ मिलती है। तो गाइस पहले स्पिन में कुछ भी नहीं मिला, पेट मिला है। उसके बाद यहाँ पर गन की किरीट मिली। उसके बाद आप लोग देख सकते हो भाई ब्लू प्रिंट मेरे को यहाँ पर 1 ब्लू प्रिंट मिल चुका है। तो गाइस देख सकते हो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन आ चुका है और यहाँ पर ब्लू प्रिंट फाइनली हमको मिल चुका है। तो चले गाइस इसका स्क्रीन शॉट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वापस स्पिन करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस यहाँ से हम लोग फिर से स्पिन करते हैं और देखते हैं भाई इस बार मेरे को कौन सी चीज़ यहाँ पर मिलती है। तो चलो गाइस यहाँ पे हम लोग स्पिन कर लेते हैं 40 वाला। तो चलो गाइस यहाँ पे 40 वाला मैंने स्पिन कर लिया, जिसके अंदर मेरे को यहाँ पर मिलता है गाइस, यहाँ पर मेरे को गन की किरीट मिली है। तो मैं फिर से यहाँ पर स्पिन करने वाला हूँ, देखता हूँ भाई इस बार क्या मिलता है। और इस बार मैं भाई 180 वाला स्पिन किया हूँ, ठीक है। तो 180 वाला भाई मैंने स्पिन कर लिया, जिसके अंदर मेरे को यहाँ पर किरीट मिली है। फिर से यहाँ पर किरीट मिली है और यहाँ पर बेजेस वगैरह मिला है, किरीट मिली है, फिर से पेट फूड मिला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वाले जो स्पिन है इसके अंदर मेरे को कुछ भी अच्छा खासा रिवार्ड नहीं मिला है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ भाई 40 वाला स्पिन करने का, तो 40 वाला स्पिन कर दिया है।
तो इसके अंदर मेरे को मिलता है भाई गन की किरिट, फिर से यहाँ पर गन की किरिट मिली है। तो चलो गाइस यहाँ पे भाई फिर से हम लोग इस यहाँ पे गोल्ड डोले में जाते हैं और यहाँ पे स्पिन करते हैं और फिर से यहाँ पर भाई थोड़ा सा क्लियर कैच हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भाई क्लियर कैच कर दिया। अभी फिर से इवेंट के अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे फिर से हम लोग स्पिन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिर से मैं यहाँ पे भाई 40 वाला स्पिन कर लेता हूँ, जिसके अंदर मेरे को यहाँ पर फिर से यहाँ पर बेजेस वगैरह मिला है। तो अभी मैं एक और स्पिन किया हूँ 40 वाला, तो इसके अंदर देखता हूँ भाई क्या मिलता है। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो मेरे को फिर से यहाँ पर एक और इवोल्यूशन स्टोन मिल चुका है। तो यहाँ पर एक बार और हम लोग 40 वाला स्पिन कर लेते हैं और बाकी इसके अलावा दो ही स्पिन मेरे पास बाकी रह जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फार्मेंट वगैरह मेरे को मिला है यहाँ पर, सॉरी गाइस ये जो यूनिवर्सल फार्मेंट है वो मिला है। उसके बाद यहाँ पर फिर से स्पिन किया हूँ और इस बार मेरे को यहाँ पर फिर से यूनिवर्सल फार्मेंट वगैरह मिला। तो गाइस अभी लास्ट स्पिन रह गया, तो लास्ट स्पिन के अंदर देखते भाई क्या चीज़ यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर लास्ट स्पिन के अंदर मेरे को मिलता है गाइस यहाँ पर गन की किरिट मिली है। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक ब्लू प्रिंट हो चुका है, चार यहाँ पर स्टोन हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखते भाई कौन सा बंडल मिलता है। तो यहाँ पे देख लो भाई ये वाला बंडल मेरे को मिल रहा है, तो इसको इस वाले बंडल को हम लोग यहाँ से एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज वाले पे क्लिक करते हैं और आप लोग देख सकते हो ये वाला बंडल को हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। तो भाई बंडल देख सकते हो एक नंबर बंडल लगने वाला, काफ़ी ज़्यादा ओपी यहाँ पे लुकिंग देने वाला है। तो चलो गाइस इसको हम लोग यहाँ से ओपन वगैरह कर लेते हैं एंड आप लोगों को इस वाले बंडल को इक्विप करके भी दिखा देते हैं भाई देखने में कैसा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा ओपी लगने वाला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा लुकिंग आपको देने वाला है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत गाइस।